أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله برادران ایمانی و عزیزان انسانی، یہ فرش اعضا، یہ مجلس اعضا، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ صرف ایک ہماری تہذیبی سرگرمی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ہماری تعلیمی اور تربیتی سرگرمی بھی ہے، اور اکثر بیشتر میں نے یہ تعبیر ذکر کی ہے کہ یہ درسگاہ حسینی ہے، اور چونکہ یہ درسگاہ ہے اس لیے ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موضوع انتخاب کیا جائے جس سے ہمارے افق ذہن پر چھانے والے غبار چھٹیں، یہ دنیا دار غفلت ہے، کبھی سامنے کی حقیقتیں بھی نظر نہیں آتی، اور پھر جب ایک بڑی تعداد میں ایسے افراد، ایسے اشخاص، ایسی انجمنیں، ایسے ادارے ہوں جو انسان کو صحیح راستے سے بھٹکانے ہی کے لیے کام کر رہے ہوں، خدا بیزاری سکھا رہے ہوں، بے دینی سکھا رہے ہوں، الہاد سکھا رہے ہوں، الہاد کو دانشوری کی پہچان بتا رہے ہوں، تو یہ گفتگویں اور بھی ضروری ہو جاتی ہیں، اور کوئی بھی گفتگو جو اسلام، قرآن، خطیب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ علیہم السلام کی ذوات گرامی اور ان کے تعلیمات اور ان کی قربانیوں کے حوالے سے ہوگی، اس میں اور بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ گفتگو معمولی سطحی رسمی نہ ہو، کنونشنل گفتگوؤں کا میں بہت قائل نہیں ہوں، اسی لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں جو آپ کے ایمانی ذوق کی آسودگی کے لیے بھی کام آئیں اور عام انسان کی ذہنی اور عقلی آسودگی کے لیے بھی کارآمد،
इसी लिहाज से मैंने इस मौजू को छेड़ा है कि असास इस्लाम क्या है, कोई अकीदा है या हकीकत है। अब तक गुफ्तगु कुछ आगे तो बढ़ी है, जो बात मैंने अर्ज़ की अब तक आपके सामने उसे यूं ही कहा जा सकता था कि आया किसी भी दीन की बुनियाद किसी अकीदे को करार दिया जा सकता है या कोई हकीकत ही होनी चाहिए। आम गुफ्तगु किसी भी दीन को दीन किस लिहाज से कहा जा सकता है, किसी भी अकीदे पर उसकी बुनियाद हो तो दीन हो जाएगा, यानी हकीकत ही पर उसकी बुनियाद हो तब दीन होगा। लेकिन अगर इस नुक्ते नज़र से गुफ्तगू शुरू की जाए तब भी मफाद वही हासिल होगा जो मैंने उन्वान कायम किया है। अलबत्ता ये गुफ्तगू बहुत फैल जाएगी और शायद किसी के लिए बहुत दिलाज़ार हो जाए, क्योंकि दुनिया में जितने इंसान हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर न जाने कितने अकीदे तराश लिए और हर शख्स अपने अकीदे पे नाज़ा है और सिपर ये बना ली है कि साहब ये आपका अकीदा ये मेरा अकीदा, आपका अकीदा आपके साथ मेरा अकीदा मेरे साथ, आप मेरे अकीदे का एहतराम कीजिए मैं आपके अकीदे का एहतराम करूँ। मैं आपका एहतराम तो करता हूँ मगर आपके अकीदे का एहतराम करने के लिए पाबंद नहीं। इंसान का एहतराम बहुत है, सिर्फ इंसान वजूद मुबारक इंसान बहुत कीमती है, बहुत अजीज़ुल वजूद है ये इंसान। निगाह कुदरत में निगाह मशीयत में इंसान की कदर व कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इंसान का एहतराम खुद इतना सिखाया है कुरान ने और इस्लाम ने कि हमें किसी और की किसी तालीम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इंसानी एहतराम का तकाजा है कि जब हम उसका एहतराम करें तो उसे ये भी बताएं कि क्या चीज़ आपके शायान शान है और क्या चीज़ आपके शायान शान नहीं। हम इंसान को ये बताएं कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, इंसान को अल्लाह ने हवासे खमसा अता किए हैं, इंसान को अल्लाह ने ऐसी फितरत पर ढाला है कि उसका कल्ब किसी गलत बात पर मुतमइन हो ही नहीं सकता, मुस्तरिब रहेगा, बेचैन रहेगा। इंसान जब तक हकीकत तक नहीं पहुंच जाता मुस्तरिब रहता है, बेचैन रहता है। नफ से मुतमइन्ना तो तभी वजूद में आता है जब हकीकतें मुनकशिफ हो जाती हैं, तब नफ से मुतमइन्ना वजूद में। तो ये हमारा काम है कि हम बताएं, हम पर फ़र्ज़ है अखलाकी तौर पर, इंसानी तौर पर, अकली तौर पर। और फिर क़ुरान ने और इस्लाम ने भी हमें पाबंद किया है कि हम ये फरीज़ा अंजाम दें कि हम इंसान को बताएं कि क्या चीज़ें उसके शाया निशान हैं और क्या चीज़ें उसके शाया निशान नहीं हैं। ये बहस तमाम अदियान के हवाले से न करके मैंने सिर्फ इस्लाम के हवाले से की कि आया इस्लाम ने अपनी बुनियाद किस पर रखी है। सिर्फ कुछ अकीदे इंट्रोड्यूस किए गए कि ये फेथ है, ये बिलीव है, ये चीज़ें हैं, इनको मान लो, या पूरे कुरान मजीद में बार बार कहा गया है तफक्कुर से काम लो, तअक्कुल से काम लो, तदब्बुर से काम लो, नज़र उठाओ आसमानों को देखो, ज़मीन को देखो, माजी को देखो।